गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द जुपिटर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम रिलेटेड टू डीएनए का दूसरा क्लास आपके बीच लेकर आया हूं और आज भी कुछ अच्छा अच्छा टॉपिक आपके बीच शेयर करूंगा। तो कोऑपरेट करिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए और बहुत मैं खुश हूं आप लोगों का प्यार देखकर। इसी के साथ मेरा ये दूसरा क्लास है। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए अपना टॉपिक देखते हैं क्या है। आज हम लोग दो तीन मेरे पास मुद्दे हैं आपके बीच, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला मेरा है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। चलिए, बहुत ही बढ़िया मुद्दा है कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी होता क्या है। अच्छा, आप एक चीज़ सुने हैं कि आपको अगर पेट दर्द हो रहा है तो आप यही मेडिसिन खाएंगे, आपको अगर फीवर है तो आप यही मेडिसिन खाएंगे, दूसरा कोई खा सकते हैं? आप ऐसा थोड़े है कि आपको पेट दर्द कर रहा है ना तो आप बुखार वाला मेडिसिन खा लेंगे और आपका सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? आप अलग अलग रोग के लिए अलग अलग मेडिसिन खाते हैं ना जी। तो वही है मोनोक्लोनल। मोनो आप पढ़े होंगे, मोनो डाई ट्राई, बस वही है मोनो डाई ट्राई, ठीक है? बस वही हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी क्या होता है? तो वह प्रतिरक्षी जो केवल एक ही प्रतिजन पर अपना कार्य करेगा। बात को समझिएगा कि वह प्रतिरक्षी जो केवल एक ही प्रतिजन। अब बाबू कहेंगे कि प्रतिजन क्या है, तो प्रतिजन मतलब रोग, ठीक है? प्रतिजन मतलब रोग। तो वह प्रतिरक्षी जो केवल एक ही प्रतिजन पर काम करेंगे, एक ही रोग पर काम करेंगे, उसी को बोलेंगे हम मोनोक्लोनल, ठीक है? जैसे आपके पास एग्जांपल में दिया गया है इधर कि मलेरिया के लिए क्या है, R21 मैट्रिक्स M, ठीक है ना? ये अभी 2023 में आपका लॉन्च हुआ है, ये 2023 में अभी इसका लॉन्चिंग हुआ है, ठीक है ना? तो ये क्या है कि ये जो वैक्सीन है, अब बोलेंगे सर ये मैट्रिक्स M ये क्या है, ते बाबू वैक्सीन है, ठीक है ना? ये टीका है, ठीक है ना? आपका ये मलेरिया के लिए आया था। आप ये मलेरिया अगर आप ये टीका ले लेते हैं तो आपको मलेरिया से आप ग्रसित कभी नहीं होंगे, ठीक है? अब देखिए, चेचक के लिए क्या था, वेरियोला वैक्सीन, ठीक है? तो चेचक के लिए क्या है, वेरियोला वैक्सीन। अब आपको आप मान लीजिए आपको एड्स है, आप ये ले लेंगे वेरियोला वैक्सीन, आप बोलेंगे कि हम तो ले लिए हैं एक वैक्सीन बचपन में और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेरे को एड्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आप बस उससे आपका बस ये चेचक ही ठीक रहेगा, बाकी सारे रोग आपके शरीर में अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए देखे होंगे आप लोग बचपन में जब छोटे छोटे आप लोग थे, 6 महीना 5 महीना का मंथ टू मंथ आप आंगनबाड़ी में जाकर अलग अलग टीके लेते होंगे, याद है ना? आप लोग को याद नहीं होगा, आपके मम्मी पापा आपके लिए करते होंगे, ठीक है ना? अब आपके सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको आप देखते होंगे कि नहीं मम्मी ले जा रहे हैं हर महीने के इस तारीख को, ठीक है ना? टाइम टू टाइम पड़ता है, टाइम से इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपका वो नहीं पड़ेगा, 1 महीना लेट हो जाएगा तो फिर वो नहीं आपके शरीर में सूट करेगा, ठीक है ना? तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है? तो अलग अलग रोगों के लिए, खसरा के लिए, ठीक है ना, टीबी के लिए, चेचक के लिए, सब अलग अलग होता है, ठीक है? अब बस वो सब अलग अलग काम करेगा, ठीक है? तो आप समझ चुके होंगे मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी क्या है। बस एक रोग के लिए एक ही जो प्रतिरक्षी है, एक ही टीका कार्य करेगा, इसी को बोलते हैं मोनोक्लोनल, ठीक है? चलिए, अब दूसरा चीज़ है हमारे बीच, दूसरा टॉपिक में आए हैं हमारे पास है एक नैतिक मुद्दा। दूसरा टॉपिक में नैतिक मुद्दा क्या है, जैविक चोरी, जैव नकल या बायोपायरेसी क्या होता है। इस चीज़ को आप ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से याद करेंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो जैविक चोरी क्या होता है, जैव नकल क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि ये होता क्या है, आपको नॉर्मली भाषा में समझा देना चाहता हूँ, ठीक है ना? ये तो मान लीजिए बुक का भाषा है, चाहे जो भी कहिए, आई आपके आपको ये परिभाषा हो गया। तो पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कि बायोपायरेसी या जैव नकल होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु का आविष्कार किए, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए एक ऐसा एप्पल बनाए जिसे खाने से ये मानव में एक होता है रोग मधुमेह, ठीक है ना? वो ठीक हो जा रहा है। जैसे आप ठीक नहीं हो रहा है, ठीक तो ठीक का बात नहीं करेंगे, कहेंगे मतलब कंट्रोल में रहता है, आप हफ्ते में वो एप्पल खा रहे हैं तो आपको ये रोग आपके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप वो चीज़ का वो वैसा आप एप्पल बनाए, ठीक है ना? आप उस एप्पल को आप क्या करेंगे कि जाकर अपने नाम पर
पहले पेटेंट करा लीजिए, ठीक है ना। अगर आप पेटेंट नहीं कराइएगा तो ये आपके साथ हो जाएगा, जैविक चोरी, जैविक चोरी, जैव नकल आपके साथ हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बायोपिरेसी में होता क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा, ठीक है ना, किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन या उपयोग करना बायोपिरेसी कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप फ्रूट बनाए हैं, ठीक है, तो उसको जाकर अपने नाम पर पेटेंट करा लीजिए। आप पेटेंट नहीं कराइएगा तो कोई और वो चीज़ को यूज करने लगेगा। अगर आप पेटेंट करा लिए हैं तो अब क्या होगा कि आप उसको बेचना चाहें तो भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वो एप्पल उगाएं और सेम उसी के जैसा कोई और एप्पल उगा लें, तो आप वो चीज़ दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर वो चीज़ वो कर रहा है तो सरकार द्वारा उस पर कुछ नियम कानून चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं आगे क्या कि हाँ, एक चीज़ हुआ था हम लोग के साथ, एक चीज़ हम लोग के साथ हो गया था कि एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम था टैक्समती, सॉरी एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम था राइसटेक, ठीक है ना। वो क्या किया था कि हम लोग का जो एक बासमती चावल होता है, काफ़ी सुंदर महक वाला, काफ़ी बेस्ट, ये हम लोग का अपना ही संस्कृति है, ठीक है। ये बासमती चावल हिमालयी क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है, अभी भी उगाया जाता है, हम लोग तरफ मिलता भी है, ठीक है ना। सुगंध के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। तो क्या किया था ये अमेरिकी कंपनी कि इसको बासमती चावल को टैक्समती के नाम से इसे अपने बायो पेटेंट करा लिया सरकार से, समझ रहे बात को ना। ये क्या किया था कि टैक्समती के नाम से बायो पेटेंट करा लिया, और बायो पेटेंट कराने के बाद ये अब क्या किया कि अब ये बायो पेटेंट करा लिया है, अब क्या करें, अब तो हम इस चीज़ को उगा नहीं सकते। अगर हम उगाना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि सरकार हम पर ये रोक लगाएगी कि नहीं ये किसी और का चीज़ है। मतलब कहने का मतलब है यानी कि वो उसका खोज है, खोज तो था हम लोग का, ये भारत का अपना खोज है, लेकिन वो अपने नाम पर पेटेंट करा लिया और बोल दिया कि हम खोज के निकाले हैं, ये सुंदर महक वाला चावल हम खोज कर निकाले हैं, और ऐसे में फिर सरकार उसके नाम पर ही पेटेंट कर दिया। तो प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग अब बासमती चावल उगा नहीं सकते थे, और हम लोग का बासमती चावल उसके नाम हो गया टैक्समती के नाम से। तो अभी बात नहीं है बाबू, हम लोग उस चीज़ को, हमारे वेदों में इस चीज़ की परिकल्पना की गई है कि नहीं ये बासमती जो चावल है हम लोग के हिमालय क्षेत्र में उगाया जाता था, ये सब चीज़ बहुत सारे पुराने जो वेद ग्रंथ थे उसमें इसकी सब रचना करी गई है, दिखाया गया है, बताया गया है। तो इस सरकार के सामने इस चीज़ को प्रस्तुत किए, और फिर जब सरकार ये जानी कि नहीं ये सचमुच ये भारत की देन है, तो उसका जो पेटेंट था उसको रद्द कर दिया गया, और रद्द करके वो जो कंपनी थी राइसटेक उसको भी बैन कर दिया गया कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी जो था रद्द हो गया था राइसटेक, ठीक है। चलिए आगे बायो पेटेंट के बारे में और जानकारी लेंगे। बायो पेटेंट का दो चार और नाम है, बायो पेटेंट तो हिंदी है, इंग्लिश है, इसका नाम है एक जैव एकस्य या जैव एकाधिकार या बायो पेटेंट, ठीक है ना। जैव एकस्य, जैव एकाधिकार या बायो पेटेंट, इसको तीन नाम से अपना कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के खोजकर्ता को दिए जाने वाला वह अधिकार, ठीक है ना, सुनिए आपसे, कि सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा, ठीक है ना, कि खोजकर्ता को दिए जाने वाला वह अधिकार जो व्यक्तियों को इस खोज के व्यवसायिक उपयोग से रोकता है, मतलब उसका व्यवसायिक नहीं कर सकते। मान लीजिए ये उगा दिया है, हम लोग चावल उगा चुके हैं, ठीक है ना, वो अपने नाम पर पेटेंट करा लिए हैं, तो कोई और अब नहीं उगाएगा, ठीक है ना, और उसका नहीं उगा सकता और उसका व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है ना, यही होता है। अब देखिए बायो पेटेंट क्यों दिया जाता है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या आप करेंगे तो आपको बायो पेटेंट कराना होगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे अपने लाइफ में, तो किसी चीज़ के प्रति तो आपको किस में बायो पेटेंट कराना होगा, इसकी जानकारी हम आपको दे दें कि देखिए सबसे पहले किसी उत्पादन हेतु, तो मान लीजिए आप कैसे बताएं कि मान लीजिए आप कोई फ्रूट वगैरह उगाए जो आपको मधुमेह रोग में आपको सहायक है, ठीक है ना। आप एप्पल उगाए हैं, आपको रोज़ एक खाइए, ठीक है ना, या हफ्ते में एक बार खाइए, आपको मधुमेह रोग जो है या डायबिटीज उसको बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना, तो वो आपके शरीर में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके शरीर में आ ही नहीं रहा है, तो एक आपका खोज हुआ, तो आप जाकर पेटेंट करा लीजिए, ठीक है ना। अब जाकर उस चीज़ को पेटेंट करा लीजिएगा तो वहाँ पर आपको बायो पेटेंट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब किसी उत्पाद को बनाने की विधि हेतु, चलिए
समझते हैं किसी उत्पाद के बनाने की विधि। जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, अब वो मान लीजिए कि दवा वाला कंपनी में काम करता है, ठीक है ना, फार्मेसी वगैरह काम करता है, वहाँ पर वो मेडिसिन बनाने के लिए बनाने का सीख रहा है, और वहाँ से कुछ ऐसा किया वो कि कुछ एक अच्छा एक मेडिसिन बन गया उससे, ठीक है ना, कुछ अच्छा एक मेडिसिन बनाया। मान लीजिए अभी का देखा जाए तो हेयर ग्रोथ के प्रति आजकल सभी लोग बहुत जल्दी इनका बाल वगैरह जो इधर का है ना, पुरुषों में खासकर देखा जा रहा है कि ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या किया कि एक ऐसा शोध किया, जो एक ऐसा खोज किया कि एक ऐसा मेडिसिन सामने ला दिया कि बालों हेयर ग्रोथ के लिए जो जो हो गए हैं जिनका पूरा इधर का बाल वगैरह सब उड़ गया है, वो दवा का अगर यूज कर रहे हैं तो एक महीने के अंदर पूरा जो है ना हेयर ग्रोथ एकदम ढंग का हो जा रहा है। तो उसका खोज हो गया, अब वो खोज को जाकर पेटेंट कराएगा, तो एक तरह से वो फॉर्मूला हुआ ना जी, वो रासायनिक विधि हुई, तो वो विधि हो गया, ठीक है ना, उस विधि को वो पेटेंट कराएगा। अब वो दवा को पेटेंट थोड़े कराएगा, उस विधि को, ये विधि है क्योंकि दवा तो एक्सपायरी डेट होता है, दवा के कराएगा फिर एक्सपायर के बाद खत्म, ठीक है ना, तो वो विधि का पेटेंट कराएगा, समझ रहे हैं बात को ना, उस विधि को पेटेंट कराएगा और वो विधि उसके नाम से पेटेंट हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, जो हेयर ग्रोथ में काम करने वाली बहुत सारी जो हेयर के प्रति काम करने वाली कंपनियाँ हैं अब आएंगी इनके पास कि आप एक फार्मूला खोज किए हैं, इस पर थोड़ा सा वो फार्मूला हमको दीजिए। तो होगा क्या कि आप पहले बैठिएगा, उनसे बात करिएगा, तो पहले बात सुनेंगे नहीं, बोलेगा कुछ पहले दीजिए इधर तब सुनेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहले उनका सुनने का प्रयास करेंगे, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा पैसा पहले दिया जाएगा कि लीजिए आपके लिए ये तोहफा लाए हैं हम, आप वो फार्मूला बताइए। तो आप अगर अच्छा खासा जानकार है तो बोलेंगे कि ठीक है आप दवा बनाइए, आपको 5 साल के लिए बोलते हैं कि आप ये दवा हम आपको फार्मूला दे रहे हैं बनाइए, 5 साल के बाद आप नहीं कर सकते हैं ये काम, तो सारा लिखित वगैरह होगा। और आप वहाँ बोलेंगे कि आप जब जो दवा बनाएंगे उससे जितना सारी कमाई होगी इसका हमको 40% दीजिए। एक अच्छा खासा हो गया आपका फार्मूला, कितना काम आ रहा है, एक फार्मूला आप बनाए हैं अपने दिमाग से और उससे काफ़ी आप पैसा कमा कर अच्छा खासा एक बन सकते हैं, ठीक है ना, अपने लाइफ में अच्छा खासा बन सकता है एक फार्मूला के हिसाब से। तो उसको आप पेटेंट कराइएगा, तब बिना पेटेंट के इतना सब कुछ होने वाला नहीं है, पेटेंट करने के बाद वो चीज़ आ जाता है हर जगह, अखबार टीवी में आ जाएगा, ठीक है ना, टेलीविज़न, हर एक मतलब नेटवर्क, हर एक जगह आपको इंटरनेट सब जगह देखने को मिलेगा, कोई है इधर का लड़का और ये चीज़ बनाया है फार्मूला, ठीक है, तो उस सहारे से आपके घर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले जो आविष्कार हो चुके हैं उसके सुधार हेतु, अब समझिए पहले जो आविष्कार हो चुके हैं, तो मान लीजिए किसी भी आविष्कार में सुधार तो करेंगे ना जी, ठीक है, समय इतना आगे बढ़ रहा है, सुधार तो करेंगे ना, तो सुधार करेंगे, ठीक है ना, तो सुधार हेतु भी दिया जाता है, समझ रहे हैं बात को ना, सुधार हेतु। पहले के मतलब अब दवा पर ही बात किया जाए तो पहले से ज़्यादा जो रोग आ रहे हैं, रोगजनक हमारे शरीर में आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हेवी हो रहे हैं पहले का अपेक्षा, तो नॉर्मल दवा खाएंगे तो नहीं ना होगा जी, अब उसको थोड़ा हेवी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको दिया जाएगा कि सुधार किए, तो सुधार करने के लिए पहले जो उसका आविष्कार किया आविष्कारक है पहले वाले, उनसे आप जाकर अनुमति लेंगे तब आपको सुधार करने के लिए दिया जाएगा। अगर उनका मन होगा कि हाँ आप सुधार करिए, आप चीज़ मेरे चीज़ को, बनाए गए चीज़ को आप आगे ले जाना चाहते हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अपने मन से उठाकर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए मेरा सेशन इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके लिए कुछ है तो आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, हमें बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट वीडियो उसका सारा चीज़ देखकर हमको इतना अच्छा लगा कि आपके लिए बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा वीडियो आपके सामने लाया हूँ। और ऐसे ही आप प्यार बरसाते रहेंगे ना तो आपके बीच इस जो ढंग का है हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा। तो चलिए जुपिटर क्लासेस फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मैं चलता हूँ, आज के लिए धन्यवाद।